आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.3 और 2.3 है जो बिल्कुल ही इजी प्रश्नमाला है। ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चन है कि अपरिमेय तत्व सिद्ध करना, तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताऊंगा कि किस प्रकार से ऐसा सवाल आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। तो ध्यान देना, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही लाइन वापस लिखनी है, कौन सी, कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। हम लिख देंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। वहां पर अपरिमेय लिखा आएगा और हम लिख देंगे परिमेय संख्या, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको बताएं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है P/Q या फिर A/B लिख सकते हो। तो यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर A/B होते हैं। और यहां पर लिख देना जहां A/B कोई पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, ये चीज आपको लिखनी है, पूर्णांक है और B बराबर नहीं है 0, ये भी लाइन लिखनी है कि B का मान है जो 0 नहीं है। अब आपको ध्यान देना क्या करना है, ये भी देखो ऊपर वाले भी 5 - √3 भी एक परिमेय संख्या और A/B भी क्या है परिमेय संख्या है, तो दोनों क्या हो गए, ये भी परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 - √3 बराबर A/B। अब यहां से ध्यान करना आपको क्या करना होता है, इस तरफ एक तरफ तो केवल और केवल रूट संख्या रखनी है और दूसरी तरफ पूर्णांक संख्या रखनी, ठीक है ना। एक तरफ केवल रूट रहने से रूट के साथ में जो भी है उन सबका क्या करना, आपको पक्षांतर करना, चाहे इधर रूट रखो चाहे इधर। अब आपको ध्यान करना क्या है, माइनस का रूट तीन है तो यह तो -√3 को उधर भेज दो, माइनस का रूट नहीं करना प्लस का करना, यह तो -√3 को भेज दो इधर या फिर A/B को भेज दो, यानी अब हम भेजते हैं 5 को, ध्यान देना रहे। तो 5 इधर रह जाएगा -√3 और इधर हो जाएगा A/B, ठीक है, माइनस के 5, यहां पर माइनस का रूट 3 है तो माइनस को भेजेंगे इधर, तो इधर संख्या के कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगेगा और माइनस का चिन्ह लगते ही यहां पर किसका हो जाएगा प्लस, तो मैं सीधा लिख सकता हूं √3 बराबर 5 - A/B, ठीक है। अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो यहां से देखो एक बार वापस ये चीज ध्यान देना, आप ऐसे कर लो 5 इधर और √3 को भेज दो उधर, √3 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा A/B माइनस प्लस का √3, देखो 5 तो इधर ही है, √3 को उधर भेज दिया, 5 √3 को उधर भेजा प्लस का हो गया, अब A/B को भेज दो इधर, तो A/B इधर आएगा तब किसका हो जाएगा A/B माइनस का, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका लेना हल, तो इधर हो जाएगा √3 बराबर एलसीएम क्या आएगा बी और फिर ऊपर आ जाएगा 5, देखो इधर बट्टे में समझ में नहीं आया तो बी एलसीएम दोनों का गुणा आएगा बी, फिर बी में ए का भाग कितनी बार जाएगा बी बार और बी का 5 से गुणा करेंगे तो 5 बी, फिर माइनस और बी में बी का भाग एक बार और ए का ए से गुणा करेंगे के, ठीक है, यहां तक आपको हल करना है। उसके पश्चात क्या करना, अब यहां पर देखना, यहां A/B तथा 5, यहां पर जो जो अंक है आए और पूर्णांक सबका नाम लिखना, A/B तथा 5 पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, इसलिए जब पूर्णांक है और हर और अंश में लिखा तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या, तो यहां पर लिखेंगे 5b - A/B एक क्या है एक परिमेय संख्या, क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसके सामने √3 लिख रखा है और बराबर सामने √3 बराबर लिख रखा है, तो इसका मतलब √3 भी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, आपने थोड़ी क्लास में पढ़ा था 8th में 9th में कि जो रूट की संख्या है वो क्या होती है अपरिमेय संख्या, तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √3 एक
अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो हमारा मानना क्या होगा, अपरिमेय संख्या है इसलिए हमारा मानना है जो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये इसका विरोध विरोधाभासी हो गया। कारण क्योंकि रूट तीन यहाँ पर तो कह रहा है परिमेय है, जबकि हमने पढ़ा वो क्या था कि रूट तीन तो एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास हो रहा, विरोधाभास हो गया इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। अतः जो पांच माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, इस प्रकार करना है।